और जब रहम की अपील भी मुस्तरद हो गई तो इनसे रेजर तक छीन लिया की गया कि कहीं वो इसके साथ खुदकुशी न कर लें। थी। लेकिन फांसी की रात शाम के वक्त भुट्टो ने कहा कि मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए क्योंकि मैं किसी मौलवी की तरह इस दुनिया से रुखसत होना नहीं चाहता। जब तारा मसीह ने तख्तादार पर इनके चेहरे पर नकाब डाला, हाथ पांव बांधे और मजिस्ट्रेट के इशारे का इंतज़ार करने लगा तो भुट्टो के बोले हुए फिनिश इट के अल्फाज आज तक लोगों के कानों में गूंजते हैं। मुजिज़ दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात महसूस की है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ात से लाख इख्तलाफात के बावजूद कोई ये नहीं कह सका कि वो एक बुज़दिल की तरह से इस दुनिया से रुखसत हुए? अगर इनकी ज़िंदगी के आखिरी चंद लम्हात सामने रखें तो यकीन जाने आपको महसूस होगा कि मौत जैसी भयानक हकीकत भी इन्हें खौफ में मुब्तला न कर सकी। और आज एक बार फिर से पाकिस्तान की तारीख उसी दोराहे पर खड़ी है जिस मोड़ पर 1979 में खड़ी थी। भुट्टो को भी रावलपिंडी जेल की एक 7x10 की कोठरी में कैद रखा गया जिसके अंदर एक पलंग, गद्दे, छोटी सी मेज़ और एक बुक शेल्फ के अलावा कुछ भी न था। भुट्टो के भी असाब को तोड़ने और इनको घुटनों पर लाने के लिए हर तरह के नफसियाती हरबे इस्तेमाल किए गए। जो कैदी इनके लिए खाना बनाता था उसे भी हर 10 दिन के बाद तब्दील कर दिया जाता कि कहीं दोनों के दरमियान कोई उनसियत पैदा ना हो जाए। शुरू के दिनों में जब वो बैतुलखला जाते तो इनकी निगरानी पर एक शख्स खड़ा रखा जाता था और भुट्टो को इस अमल से इतनी शदीद नफरत और बेजारी थी कि उन्होंने खाना खाना तक छोड़ दिया ताकि इनको रफ़ा हाजत की हाजत कम से कम महसूस हो सके। जेल में रहते हुए भुट्टो के मसूड़ों में भी पस पड़ गई थी जिसका दर्द इन्हें बेहद बेचैन रखता था, लेकिन वो फिर भी ना टूटे और घुटने टेकने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान की तारीख एक बार फिर से इसी मोड़ पर खड़ी है जहां निज़ाम के सामने खड़े होने वाले हर शख्स को रास्ते से हटा दिया जाता है। ये 2 अप्रैल 1979 की बात है जब बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो को एक शवारलेट कार के अंदर रावलपिंडी जेल लाया गया। ये सजाए मौत के कैदी की अपने अहले खाना से आखिरी मुलाकात थी। बाप और बेटी के दरमियान 5 फिट का फासला रखा गया। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि मेरे वालिद ने पूछा कि इन्हें अहले खाना से मुलाकात के लिए कितना वक्त दिया गया है, तो जवाब मिला कि आपके पास बस आधा घंटा है। जिस पर मेरे वालिद ने कहा कि सजाए मौत के कैदी की आखिरी मुलाकात कम अज़ कम 1 घंटे की होती है। जिस पर ड्यूटी पर तैनात अहलकार ने जवाब दिया कि मुझे यही हिदायत मिली हैं कि इन्हें मुलाकात के लिए बस आधे घंटे का वक्त ही दिया जाए। बेनज़ीर अपने साथ कुछ किताबें और मैगज़ीन भी लाई थीं जिन्हें भुट्टो ने यह कहकर वापस कर दिया कि इनमें बाप और बेटी की प्यार की खुशबू है और मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद ये लोग इन्हें हाथ लगाएं। सिगार की डिबिया में से शाम के लिए एक सिगार रख कर बाकी वो भी वापस कर दिया। हाँ, अलबत्ता शेव बनाने के लिए लाई गई शालीमार कोलोन की शीशी को अपने पास ही रख लिया क्योंकि वो मौलवी की तरह इस दुनिया से रुखसत होना नहीं चाहते थे। यूं अहले खाना से आखिरी मुलाकात का आधा घंटा भी ख़त्म हो गया। मुलाकात के अख्ताम पर बेनज़ीर ने आखिरी बार अपने बाप के गले लगने की इजाज़त चाही जो उसे ना मिल सकी। नुसरत भुट्टो ने सलाखों से हाथ बढ़ाकर भुट्टो के हाथ को छुआ और इस आखिरी लम्स के साथ मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया और भुट्टो के चेहरे पर कोई तासुफ, अफसोस, दुख, मलाल या आंसू ना थे। शाम के साए गहरे होते चले गए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुलरहमान को काफ़ी लाने के लिए कहा और काफ़ी का सिप लेने के बाद भुट्टो ने अब्दुलरहमान से कहा कि अगर तुम्हारे साथ मैंने कोई बदसलूकी की हो तो मुझे माफ़ कर देना। 9:55 पर उन्होंने रेज़र तलब किया, शेव बनाई, ब्रश किया, चेहरा धोया, बाल संवारे और सोने के लिए लेट गए। क्या कभी सजाए मौत के कैदी को भी फांसी की रात नींद नसीब हुई है? लेकिन जब इनको रात को 1:30 उठाया गया तो वो हल्के बादामी रंग की सलवार कमीज पहने सो रहे थे। जेल एहलकारों ने इनके कपड़े तब्दील करवाए और ज़बरदस्ती हाथ बांध कर इनको स्ट्रेचर पर लिटा दिया ताकि इनको फांसी घाट तक ले जा सके। लेकिन चंद कदम चलने के बाद भुट्टो स्ट्रेचर से उतर गए और ख़ुद अपने पाँव पर चलकर फांसी के फंदे तक पहुँचे। हुकूमत पंजाब ने जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी पर लटकाने के लिए लाहौर से बुलवाया था। तारा मसीह का ये ख़ानदानी पेशा था
ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے اسی پیشے سے منسلک تھا۔ تارا مسیح کو ہر پھانسی کے بدلے تنخواہ کے علاوہ 10 روپے اضافی دیے جاتے تھے، یعنی ان کے لیے ہر سر کی قیمت محض 10 روپے تھی۔ پھر چاہے وہ سر بھٹو کا ہی کیوں نہ ہو، 10 روپے سے زیادہ اہمیت نہ رکھتا تھا۔ اس نے قیدی کے چہرے پر کالا کپڑا چڑھایا، ہاتھ پاؤں باندھ چکا تو بھٹو نے فنش اٹ کے الفاظ دہرائے، اور یوں 35 منٹ بعد پاکستان کی سیاست کا بابا آدم سٹریچر پر مردہ حالت میں پڑا تھا۔ لیکن ان ظالموں کو موت کے پھندے پر جھول جانے والے شخص کی لاش پر بھی رحم نہ آیا، اور ان کی لاش کو بھی بے آبرو کرنے سے باز نہ آئے۔ بھٹو کے مردہ جسم کو ننگا کر کے ان کے پرائیویٹ پارٹس کی تصویریں بنائی گئیں، کیونکہ حکومت اس بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ بھٹو کے ختنے اسلامی طریقے سے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگلے دن صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جیلر نصرت اور بے نظیر بھٹو کے پاس پہنچے اور ان کو پھانسی کا عمل مکمل ہو جانے کی اطلاع دی، جس پر بے نظیر بھٹو نے تدفین کی رسومات کے بارے میں دریافت کیا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ قیدی کی لاش کو پہلے ہی تدفین کے لیے لے جایا جا چکا ہے، جس پر بے نظیر بھٹو چلائیں کہ آپ اہل خانہ کے بغیر ان کو تدفین کے لیے کیسے لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ظلم کے نظام میں مظلوم کی آہ اکثر بیکار جاتی ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کا سامان بے نظیر کے حوالے کیا گیا تو اس میں وہ سلوار قمیض بھی شامل تھی جو آخری رات انہوں نے پہن رکھی تھی، اور اس میں سے شالیمار کولون کی مہک اب بھی تازہ تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ بھٹو نے مرنے سے پہلے آخری بار شیو بنائی تھی، کیونکہ وہ ایک مولوی کی طرح اس دنیا سے رخصت ہونا نہیں چاہتے تھے۔